प्रोडक्ट यूज नहीं करें गौ माता नहीं बचेगी। तो गांव में तो नहीं, गौ माता तो है, बचने का तो सब नहीं दिख रहा है। ज्यादा हम लोग देख रहे वहाँ कोई भी किसान के पास गौ माता या नंदी नहीं है। अब बहुत किसानों को पूछा भाई क्या है, वो तो बच्चे लोग पढ़ लिए, सबको नौकरी आ गई, खेती बाड़ी करने वाले अभी कोई भी नहीं है, और अभी तो हम ट्रैक्टर वगैरह चला रहे। अब शहर में भी हम लोग हर एक गौशाला में जाते रहता हूँ, हैदराबाद के आजू बाजू की गौशाला में, तो वहाँ पर भी जो मालिक गौशाला का है वो खुद वहाँ रहता नहीं है वहाँ पर, और वहाँ रहता है नौकर लोग। नौकर लोग गौ माता का क्या सेवा कर सकते हैं? अभी आप ज्यादातर बड़े गौशाला में जाइए तो गौशाला को जो घास डालते आधी गाय को मिलते आधी गाय छोड़ देता है, वो बताने वाला कोई नहीं भाई वहाँ बाकी नहीं उधर डालो उधर डालो, काम वाले गए आधा था उधर चले जाते। तो आज का पोजीशन गौ माता के लिए अच्छा नहीं है। अरे गौशाला में प्रॉब्लम है, कोई भी सही तरीके से गौशाला चलाना ही मुश्किल हो। आज मेरे पास दो गौशाला है और दो गौशाला मेरा ऐसा है कि उसका दूध हम लोग बेचते हैं, गौ को डेवलप करना। स्वामी जी को दो साल पहले बोले थे सुन भाई गाय बचाने के लिए आप डेयरी फार्म डालिए, तो हम लोग दो गौशाला ऐसा डेवलप किए कि उसका भी एक दोनों बिक्री कर गए हैं और एक का बेचते दूध 160 रुपये लीटर और उसका घी 3600 रुपये के आज हिमांच से बिकता है। गैस और उगादी में हम लोग उसको चालू किए थे और दूसरा गौशाला में 80 रुपये लीटर में डूब जाता है। तो ये स्वामी जी बताने के बाद ये कार्यक्रम हम जब शुरू किए तो पहले लगा था भाई हमको नुकसान आएगा, लेकिन अभी हम लोग चला रहे 6 महीने से और हमको प्रॉफिट हो रहा है। और जो देसी गाय है गुजरात की उसमें हमको मिलता है सुबह शाम 10 लीटर, 5 लीटर का खर्चा होता है, 5 लीटर का प्रॉफिट आता है। और गिर गाय में इससे भी ज़्यादा मिलता है, 15 लीटर तक 17 लीटर तक जा सकते हैं। तो अभी थोड़े दिनों में हम लोग एक ऐसा डॉलर गौ माता में करने जा रहे हैं 100 लीटर तक एक गाय दूध देगी, वैसा एक प्लानिंग चल रहा है वैसी गाय लाने के लिए। ये है 100 लीटर देने वाली गाय है, उसको यहाँ लाना है और स्वामी जी के हाथ से गौ माता का पूजा करना है। ये दुनिया में ऐसा है कोई भी चीज नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है ना स्वामी, करना चाहिए। आज अर्जुन को आप देखिए कहाँ था उनके पास सेना, जितना कौरव के पास सेना था उतना सेना कहाँ था, आधा भी नहीं था, लेकिन उनका हिम्मत और उसके बाद भगवान साथ में थे। भगवान मतलब भगवान का नाम, आपके साथ भगवान का नाम है और आप परिश्रम कर रहे हैं तो आप भी बराबर सफल होते, क्यों नहीं होते। आज मैं सफल इसमें हुआ स्वामी जी का आशीर्वाद से, सिर्फ कितना एक साल हुआ स्वामी जी आप बोले नोटबंदी के टाइम पे, तो अभी तक दो गौशाला हम लोग सक्सेस कर दिए। तो अभी एक गौ कथा हम लोग यहाँ पर ला रहे, ये गौ कथा इसी के ला रहे कि एक इसमें अपन को सभी गौ भक्तों को एक करना है। जब तक अपन एक नहीं है तब तक कोई भी काम अपन सरकार अपनी बात नहीं मानेगी। जरा सॉरी मेरे को माइक में उतना बोलने को नहीं आता, स्वामी जी बोले बोल के मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे बात समझ में नहीं आया फिर अपन पर्सनल बात करेंगे। आज आप एक आदमी या दो आदमी मिलकर कोई भी काम करेंगे तो सक्सेस नहीं होने वाला है, आपको एकता करनी पड़ेगी और जब एकता है तो सरकार आपके सामने झुकेगी। और मैंने सरकार को झुकाया है, यहाँ पर हमारा गौशाला वो लोग आके गिराए थे कुछ पैसे के प्रॉब्लम से पिछले साल, और स्वामी जी जानते हैं और वो स्ट्राइक मैंने करा था, मेरे को सभी लोगों ने सपोर्ट दिया था और सीएम को झुकना पड़ा, सेकंड डे सीएम ने फोन कर दिया पटेल साहब को जो होने दे दो, और वो वायदा भी सरकार ने पूरा किया और जो भी मुझे उस टाइम पर सपोर्ट किए स्वामी जी, उन लोगों का मैं धन्यवाद वंदन करता हूँ भक्तों का।